সৈতে সাক্ষাৎকাৰ সংকল্প পত্ৰ মুকলিৰ পিছত মোদীৰ প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰ 2047 চনত স্বাধীনতাৰ 100 বছৰ পূৰ্ণ হ'ব আৰু সেয়ে উন্নত ভাৰতৰ লক্ষ্য 2047 চনত লোৱা হৈছে বুলি মোদীৰ মন্তব্য আগবঢ়াম এই সাক্ষাৎকাৰৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ৰাত্ৰি কি বহুত বহুত শুভকামনায়ে আৰু কিছু দিনৰ মে দেশ ৰামনৱমী কা পৰ্ব মনায়েগা ৰামনৱমী কি বহুত বহুত শুভকামনায়ে আপকো ভি मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है 2047 है तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है मैं समझता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए दो अलग चीज़ें हैं जब देश आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा था उसी समय मैंने ये विषय सबके सामने रखना शुरू किया था आज से एक दो साल पहले और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आज़ादी के 100 साल होंगे स्वाभाविक रूप से ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं नए संकल्प के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मौका है 75 साल पर हम खड़े हैं 100 साल पहुंचने वाले हैं इस 25 साल का सर्वाधिक उपयोग कैसे करें हर इंस्टीट्यूशन हर कोई अपना एक लक्ष्य बनाए भाई मैं अपना गाँव का प्रधान हूँ 2047 तक मेरे गांव में इतना तो मैं करूंगा आरबीआई को मैं कार्यक्रम में अभी गया 90 साल का उनका तो मैंने कहा कि 10 साल बहुत महत्वपूर्ण है आपके 100 साल होंगे इस पर अभी से सोचिए तो मेरे मन में 2047 ये भारत की आज़ादी के 100 साल और देश में एक प्रेरणा जगनी चाहिए और आज़ादी के 100 साल अपने आप एक बहुत इंस्पिरेशन है किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है तो एक पार्ट तो वो है दूसरा है 2024 ये चुनाव का हमारा जो क्रम है 5 साल का उसके हिसाब से वो आया हुआ क्रम है और मैं मानता हूँ कि चुनाव ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है एक तरफ इस चुनाव में आप देखते हैं लोकतंत्र में चुनाव को हमने लाइट नहीं लेना चाहिए एक बहुत बड़ा महापर्व है और इसलिए मेरा तो मत है कि उसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए उससे जैसे स्पोर्ट्स उसका जब फेस्टिवल होता है स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पैदा करते हैं प्रतिस्पर्धा भी जब खेल का मैदान होता है तो देखने वाले खेलने वाले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है जो हमारे संस्कार बन जाते हैं चुनाव का ये माहौल अगर हम उत्सव में पलट दें लोकोत्सव बना दें तो हमारी रगों में डेमोक्रेसी आने वाली पीढ़ियों के रगों में वो संस्कार बन जाती है और लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र ये सिर्फ संविधान की सीमाओं में नहीं बंधना चाहिए हमारी रगों में होना चाहिए हमारे संस्कार में होना चाहिए और उस अर्थ में मैं 2024 को देखता हूँ ये बात सही है कि हमारा 25 साल का विजन और उसमें मैंने बहुत काम किया है और ये आज कर रहा हूँ ऐसा नहीं है शायद मैं जब गुजरात में था तब भी उन दिशा में सोचता था अब देखिए 2024 का चुनाव तो देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल उनका 5-6 दशक का काम मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूँ 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम कंपैरिजन कीजिए किसी भी क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिए अगर कुछ कमियां होगी तो भी
हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी। दूसरा, मुझे 10 साल में 2 साल तो कोविड की लड़ाई में जाना पड़ा और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था, फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें, हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ, इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से, और गति और बढ़ानी है मुझे अगले टर्म में, गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है, तो वो तो मेरा लक्ष्य ही है। दूसरा, आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देशवासी जिम्मेवारी देते हैं तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए, देश, देश के लोग। दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूं, मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर काम करेगी। और जब देश मजबूत होता है तो हर कोई उसका बेनिफिशियरी संतोष अनुभव करता है, कहाँ यार कुछ तो हो रहा है, मेहनत तो कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, इन चीजों का इम्पैक्ट होता है। तो 2024 ये चुनाव है और चुनाव का मैदान है, तो हम एक अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के गए हैं और वे अपने टैप रिकॉर्ड को लेकर के आए हैं। अब प्रधानमंत्री जी, आपने दो चीजों का जिक्र किया जिसके बारे में पूछना चाहूंगी। एक तो वो जब आरबीआई में जब आपने कहा 2014 विजन वगैरह की बात कर रहे थे, तो जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी जो ट्रेलर है मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो एक एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी, एक वो नर्वस होते हैं, जो दूसरी जिनका विश्वास आप पर पूर्ण तरह है वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अंजाम देने वाले हैं। तो दोनों के लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेसफुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूं कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है, मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, उस अर्थ में मैं कह रहा हूं। दूसरी बात है, ज्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं, मैं नहीं मानता हूं मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है, क्योंकि मैं देखता हूं मेरे देश की कितनी आवश्यकता है, हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पूरा हो, ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूं, उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूं। दूसरी बात है कि 2047 का जो विजन का सवाल है, एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाव, आचार संहिता, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मेरे राज्य से 30-40 सीनियर अच्छे अफसर ऑब्जर्वर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे, तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, क्योंकि देश में ऐसे चुनाव होते ही रहते और मेरे ऑब्जर्वर जाते रहते, तो मैं तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये इसको वैकेशन नहीं मानता हूं।
मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूंगा। मैं अफसरों को पहले से काम देता हूं, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करो। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। हाँ, उसी पे पूछना था मुझे। हाँ, अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं, अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया। हाँ, और दरअसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था, और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग एनजीओ को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया, उसका काफी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके, मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। अच्छा, और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन लिए 2-2.5 घंटे, और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें डुएबल हैं, कौन सी चीजें डुएबल नहीं, थोड़ा सा ट्रेलर बता सकते हैं उसको। मैं अंदाज, मैं ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा, मैं अभी अगर इन चीजों को बताऊंगा तो शायद कोई उसको गलत अर्थ में ले लेगा। भारत और